नए बिल में पहले की तरह तीन तलाक के दोषी शोहर को 3 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन इस बार मजिस्ट्रेट से जमानत पाने, सिर्फ पीड़ित या उसके सगे रिश्तेदार की शिकायत पर ही केस दर्ज होने और मजिस्ट्रेट को मामले में सुलह समझौता कराने का अधिकार। लेकिन कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दल 3 तलाक के इस बिल के भी विरोध में। उनकी मांग है इस नए बिल को संसद की संयुक्त सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। आपको याद दिला दें, 28 दिसंबर को पिछले साल लोकसभा में कांग्रेस के समर्थन से 3 तलाक बिल पास हुआ था, फिर कांग्रेस ने स्टैंड बदला। इसके बाद अगस्त 2018 में 3 तलाक बिल में सरकार ने नए प्रावधान जोड़े, लेकिन राज्यसभा में बिल पास ना हो पाया। सितंबर 2018 में सरकार 3 तलाक के खिलाफ अध्यादेश ले आई। इस अध्यादेश की तरह के प्रावधानों वाला ही नया बिल आज लोकसभा के सामने है, लेकिन विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठाकर इस बिल को अटका रहा। बीजेपी की दलील है मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आजादी मिलनी चाहिए। अब जब 3 तलाक पर यह बहस गरमाई है तो अब से कुछ ही महीनों में लोकसभा का चुनाव है, इसलिए दंगल में सीधा सवाल है, मुस्लिम महिलाओं को क्या 3 तलाक से आजादी मिल पाएगी? क्या 2019 के चुनावी समीकरण में 3 तलाक का बिल फंस गया? क्या मुस्लिम महिलाओं की आजादी में रोड़ा बन रहा है विपक्ष? 3 तलाक का महिला आरक्षण बिल जैसा हाल तो नहीं हो जाएगा? और क्या लोकसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा होगा यह 3 तलाक का बिल? आज का दंगल इन्हीं सवालों पर होगा। इस देश में इतनी खवातीन हैं जो 3 तलाक के तलवार के आगे दबी रहती हैं, क्या यह संसद को उनकी आवाज नहीं सुननी चाहिए? इस पूरे मामले को सियासत के तराजू पर न तोला जाए, इंसाफ इंसानियत के तराजू पर तोला जाए, क्योंकि यह मामला है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी सम्मान। आई एम ओनली रिक्वेस्टिंग द ऑनरेबल स्पीकर, इफ यू सी द बिल इटसेल्फ, द गवर्नमेंट हैज नॉट कंसल्टेड एनी स्टेक होल्डर्स, लीव असाइड पीपल आर अपोजिंग इट आल्सो और फॉर इट आल्सो, सो दैट इज व्हाई वी रिक्वेस्ट यू मैडम, प्लीज यूज योर डिस्क्रिशनरी पावर्स and refer this to select committee. You can give it a time of 15 days. We'll come back with good proposals. और एक धर्म के अंदर इंटरफियर करना सरकार और सरकार इंटरफियर करके अपने कानून बनाना किस हद तक ठीक है, तो इसकी जांच वही लोग कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को आप भेजिए। मैडम ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को अगर आप रेफर करेंगे तो वो उनको आप 1 महीने का टाइम दीजिए, 15 दिन का टाइम दीजिए, व्हाटएवर, तो स्मूथली दिस बिल कम आउट। कांग्रेस के पास आरिफ मोहम्मद खान जैसे मुसलमान नेता का भी नेतृत्व था। चाहते तो देश का इतिहास आज से 30 साल पहले बदल सकते थे, मगर जिनको राजनीति तोड़ मरोड़ कर डिविसिव पॉलिटिक्स करनी है वो कभी देश का इतिहास बदलेंगे नहीं। वो केवल अपीजमेंट पॉलिटिक्स करेंगे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि एक समय ऐसा आए कि इस देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा सके। वो ऐसा चाहेंगे ही नहीं कि हिंदू मुसलमान औरतें अपने आप को औरतें पहले समझे, हिंदू और मुसलमान बाद में समझे। तो संबित पात्रा हमारे साथ हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, वारिस पठान AIMIM का पक्ष रखेंगे, वसीम रिजवी चेयरपर्सन है शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के, आफरीन रहमान हमारे साथ होंगी वो 3 तलाक पीड़ित है, शमीना बेगम वो खुद 3 तलाक मामले की याचिका करता है, मौलाना अंसार रजा हमारे साथ है चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन के, और असद खान फलाही हमारे साथ है इस्लामिक स्कॉलर है। सबसे पहले मेरा सवाल प्रियंका चतुर्वेदी आपसे है, 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को आजादी मिले, कांग्रेस इसके खिलाफ क्यों दिख रही है? कांग्रेस इस बात से खिलाफ नहीं है कि महिलाओं को 3 तलाक से आजादी मिले। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि वो जो प्रथा है वो खत्म होना जरूरी है, क्योंकि हम इसको कोई समुदाय या सांप्रदायिकता के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, हम इसको जेंडर जस्टिस के हिसाब से देख रहे हैं, और जेंडर जस्टिस कहता है कि इक्वालिटी सबके लिए होनी चाहिए। तो ये जो ट्रिपल तलाक था, जो तलाक 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 कहकर तलाक हो जाते थे, उसके हम खिलाफ थे। हमारा मानना ये है कि अगर एक नया कानून आना है, जो 1986 में हमारा कानून बना था, शाहबानों के बाद एक प्रोटेक्शन फॉर वुमेन्स राइट्स का एक कानून बना था, जिसमें बकायदा ये जो भी शाहबानों के केस में बात की गई थी कि उनका कितना मुआवजा उनको मिलना चाहिए, कितना उनका मेंटेनेंस होना चाहिए, कौन इसके मेंटेनेंस का ध्यान देगा, और किस तरीके से महिलाएं अपने अधिकार और न्याय पा सकती हैं, वो भी किया गया था।
ये जो कानून आ रहा है जिस शेप में आ रहा है उसमें ना ही मेंटेनेंस की जो मेंटेनेंस मिलना चाहिए वो तय है, ना ही ये तय है कि किस तरीके से महिला न्याय पा सकती है, और सारी की सारी जिम्मेदारी न्याय पाने की और ये प्रूव करने की कि उनके साथ तलाक तीन बार कहा गया है वो महिला के सर पे डाल दी गई है। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये जो मेंटेनेंस की बात है कि कौन देगा, कहां से आएगा, और चौथा वो क्रिमिनैलिटी, क्रिमिनैलिटी की जो बात हो रही है, आज महिलाओं को बहुत सारी शादियों के बाद, आप रिलीजन भूल जाइए, उनको छोड़ दिया जाता है, नए घर बस जाते हैं, पर वो महिलाएं जिनको छोड़ दिया जाता है ना ही उनकी सुनवाई होती है, ना ही उनका कोई मेंटेनेंस का ध्यान देता है, ना उनके परिवार वाले उनको रखना चाहते हैं, क्या न्याय उनको भी नहीं मिलना चाहिए? तो इसलिए हम कह रहे हैं ये ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर से बात होनी चाहिए और एक सशक्त कानून महिलाओं के लिए बनना चाहिए। और सिर्फ मुसलमान बहनों के लिए क्यों, देश की सारी महिलाएं जिनके साथ इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं उसका न्याय मिलना चाहिए। ठीक है संबित पात्रा, आप लोग क्यों ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलने देना चाहती इसलिए टांग अड़ा रही है? देखिए पहली बात तो आप कॉन्ट्रडिक्शन यही चैनल पे देख लीजिए। अभी प्रियंका जी कह रही है एक सशक्त कानून आना चाहिए और वहां पार्लियामेंट में खड़े होकर सुष्मिता देव जी कह रही हैं कि ये ज्यादा सशक्त हो गया है, इससे जो मुस्लिम पुरुष हैं उनको कहीं ना कहीं क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा और उनको जेल भेज दिया जाएगा। यहां प्रियंका जी कह रहे हैं जो ओनस है वो महिला के ऊपर डाल दिया है भारतीय जनता पार्टी के कानून ने, वहां सुष्मिता देव जी पार्लियामेंट में कह रही हैं कि यहां का पूरा प्रूफ करने का ओनस पुरुष के ऊपर डाल दिया है, बेचारा मुस्लिम पुरुष कहां जाए, वो तो जेल में चला जाएगा। और सस्टेनेंस के बाद देखिए मैं बिल लेके बैठा हूं, सस्टेनेंस के विषय में जिसको अलाउंस इन्होंने कहा, सस्टेनेंस के विषय में क्या कहा गया है इस बिल में, कहा गया है कि सस्टेनेंस विल बी डिसाइडेड बाय द मैजिस्ट्रेट, और मैजिस्ट्रेट वो जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट हो। क्यों आपको देश के मैजिस्ट्रेट पे भरोसा नहीं है? जब केस जाएगा तो मैजिस्ट्रेट सस्टेनेंस डिसाइड करेगा कितना सस्टेनेंस देना है। तीन गंभीर मुद्दे इस पूरे मसले पे उठे थे जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने लगाया था। उन्होंने कहा था कि ये बेल नॉन बेलेबल नहीं होना चाहिए, एक संशोधन हुआ कि ठीक है बेल दिया जा सकता है, मैजिस्ट्रेट पत्नी से पूछने के पश्चात अगर वो सेटिस्फाइड महसूस करेगी तो बेल दिया जा सकता है। दूसरा था कि समझौते के लिए भी स्थान होना चाहिए, इसके लिए कंपाउंडेबल बना दिया गया पूरे मसौदे देखो, अर्थात मैजिस्ट्रेट चाहे और पति पत्नी अगर राजी हैं तो दोनों पूरे विषय को कंपाउंड कर दिया जाएगा, अर्थात समझौते के लिए खुला छोड़ दिया जाएगा मैदान। तीसरी बात जो यहां उठी कि केवल और केवल महिला की कंप्लेंट पर ही कॉग्नाइजेबल होना चाहिए ऑफेंस, अगर पड़ोसी भी आके कंप्लेन कर देंगे तो यह मान्य नहीं होना चाहिए, यह भी संशोधन सरकार ने कर लिया कि ठीक है केवल और केवल महिला या तो उसके ब्लड रिलेटिव अगर यही कंप्लेंट करेंगे तब जाके यह कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होगा, अन्यथा ये कॉग्नाइजेबल नहीं होगा। जो आप पहले कह रहे थे वो तो सरकार ने मान लिया, फिर लड़ाई क्यों करना है? आप कह रहे हैं जो जो एतराज उठाए गए थे वो सारे मान लिए गए, वारिस पठान फिर भी असद ओवैसी कह रहे हैं कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया। देखिए रोहित जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो मैरिज है इस्लाम में, मैरिज इटसेल्फ इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, आप किस तरह से उसको क्रिमिनलाइज कराना चाहते हो? मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे तो 28 दिसंबर 2017 का बिल था, मैं बताता हूँ, उसमें था कि नहीं कि मैजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, जमानत लेना पड़ेगा, वहां से सब होगा। तो जब मैरिज इटसेल्फ इज सिविल कॉन्ट्रैक्ट। वारिस पठान आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, माफी चाहता हूँ, तकनीकी खराबी है, इसको दूर कर लेते हैं एक बार, उसके बाद वापस आपकी बात सुनते हैं। जो आप कह रहे हैं वो आवाज ठीक से सुन नहीं पा रहे हमारे दर्शक भी और हम भी। मैं वापस आता हूं आपके पास जल्दी से। समीना बेगम, आप इस मामले की याचिका करता है, कानून का जो इस समय मसौदा लोकसभा में डिस्कस हो रहा है, आपको लगता है वो ठीक है, ऐसा ही चाहिए था? हाँ बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए था कि कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज का भी रास्ता निकले। तो सरकार ने जो भी डिमांड थी कांग्रेस की और विपक्ष की सारी मानी है, लेकिन अब पता नहीं इनको क्यों राजनीति सूझ रही है, क्यों इस तरह से रोड़े अटकाए जा रहे हैं बराबर, और इस बिल को फुटबॉल की तरह मतलब नचाया जा रहा है जगह जगह, और इससे ये नहीं सोच रहा कि हम मुस्लिम महिलाओं को कितनी तकलीफ हो रही है। मतलब कम से कम तलाक पे कानून बनने से कुछ तो आंकड़े कम होंगे तलाक के। आज जो हम जिस मेहनत से यहाँ तक आए हैं इस लड़ाई को लेके, तो हमको भी सुकून मिलेगा कि हाँ हमारी लड़ाई कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो गई। लेकिन ये जो भी विपक्ष में जो बैठे हैं, कांग्रेस के लीडर हैं या ओवैसी की पार्टी के लीडर हैं, जो भी हैं, इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। इनको लग रहा है कि इन कठमुल्लों से इनकी, मुझे तो लगता है कोई ना कोई बड़ी साठगांठ है, कोई ना कोई पैसे का लेन देन है। वो नहीं चाहते कि हम लोगों को इस चीज़ से आज़ादी मिले, इस ट्रिपल तलाक की मुसीबत से हम लोग छुटकारा पाएं। ये इसी वजह से राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। मुस्लिम वोट उनको लग रहा है कि हाथों से निकल सकता है, ये डर भी है उनको।
बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब पुरुषों का वोट हाथों से निकल जाएगा, महिलाओं का तो खैर नहीं मिलेगा, ये तो दिमाग से निकाल देंगे कि 2019 में हम लोगों का वोट ले लेगी कांग्रेस, वो तो दिमाग से कहीं तक भी हमारे दिमाग में नहीं है कि हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। तो बेहतर यही है कि अगर उनको इलेक्शन के हिसाब से काम करना है तो इस बिल को पास करवाना पड़ेगा राहुल गांधी। प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस चुनाव के मद्देनजर मुसलमान वोट बैंक खिसकने के डर से विरोध कर रही है कि मुस्लिम पुरुष वोट नहीं देगा कांग्रेस को? मैडम का मैं बहुत सम्मान करती हूँ क्योंकि वो महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ी हैं, पर अभी इस चैनल पे जिस तरीके से वो एक तरफ को ही जिम्मेदार मान रही हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एज अ सोशल एक्टिविस्ट मैं मानूंगी कि महिलाओं को सिर्फ उनके अधिकार दिलाने की बात नहीं है, महिलाओं को उनके समाज में सम्मान की भी बहुत जरूरत है। मैडम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 3 साल एक आदमी जेल में चला गया तो महिलाओं को सस्टेनेंस अलाउंस कौन देगा? आप मुझे बता दीजिए, क्या ये बिल ने आपको एक्ट अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बता दीजिए कहां से उनको वो पैसा मिलेगा। आप मुझे ये भी बता दीजिए, ये जो मैजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे, तो मैजिस्ट्रेट किस आधार पर डिसाइड करेगा कि महिलाओं का सस्टेनेंस अलाउंस कितना होना चाहिए और कितना उसको हर महीने मिलना चाहिए और कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा अगर वो पुरुष जो है वो जेल में चला जाएगा? तो ये सारी चीजें अगर हम एक सशक्त कानून आप महिलाओं के लिए ही ला रहे हैं, मुझे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कि आप इसका इस जिम्मेदारी का। प्रियंका चतुर्वेदी, किसी का पति मर्डर केस में जेल चला जाता है, चाहिए कि पहले प्रियंका चतुर्वेदी किसी का पति मर्डर केस में जेल चला जाता है तो अदालत कहां से वो सारी चीजें निर्धारित करती है? हमसे कहा था ये ट्रिपल तलाक खत्म, ये सारी चीजें कहां से निर्धारित करते हैं? ने कह दिया था आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको इलीगल माना है, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं आप ऐसा सशक्त कानून बनाएं जहां पे सारे पक्षों की बात सुनी जाए, मतलब जो याचिका करता है वो संतुष्ट है और लड़ाई लड़ने के आप संतुष्ट नहीं है, तो याचिका करता है वो संतुष्ट है, जिसके लिए कानून आ रहा है वो संतुष्ट है, लेकिन आप संतुष्ट नहीं है। हो रहा है वो मैं मानती हूँ कि वहां पर हमें कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट्स लाने जरूरी हैं जो दोनों तरफ को हर तरफ से एक सशक्त कानून ला सके। ठीक है, आपको महिलाओं की मेरा मानना है सर, रोहित जी मैं आपकी बात नहीं सुन पा रही थी, आप बीच में टोका टाकी जरूर कर रहे थे। मैडम मैं सवाल तो पूछूंगा, मेरा काम है सवाल पूछना, मैं सवाल तो पूछूंगा। अब ये मत सोचिए ना कि आपने डिसाइड कर लिया कि आप 3 मिनट एट लेंथ बोलेंगी तो मैं 3 मिनट में सवाल ही ना पूछूं। कोई मैं सुन नहीं पा रही थी, मैं आपको बस ये बता रही हूँ मैं सुन नहीं पा रही थी भाई साहब। मैंने रोहित जी, मैंने आपको पहले कमेंट के लिए मैं पूरा समय देता हूं, मैंने आपको कहीं नहीं टोका, आपको सुन नहीं पा, लेकिन उसके बाद मैं सवाल पूछूंगा। अगर आपको ये लगता है कि नहीं आपको अकेले ही बोलना है तो मैडम फिर आप किसी दिन रैली बुला लीजिए, उसमें बोलिए, यहां पर नहीं हो पाएगा। प्लीज समित पात्रा, उन्होंने जो पॉइंट रेज किए उनका जवाब दीजिए, उसके बाद बारिश पठान के पास आ रहा हूं। मैडम प्लीज, मैडम वही आप संसद में करना चाहते हैं कि समय जाया हो जाए, औरतों के मुद्दों पर बात ना हो पाए, यही आप ये करना चाहते हैं टीवी पर भी, मत कीजिए ऐसा प्लीज। समित पात्रा जवाब दीजिए, जो वैलिड पॉइंट्स उन्होंने रेज किए उसका जवाब दीजिए। मैडम प्लीज, मुझे आपसे सफाई नहीं चाहिए, धन्यवाद। प्लीज एक तरफा बातें, प्लीज मैडम एक तरफा नहीं है, आप लगातार बोल रही हैं, आप चुप नहीं बैठी हैं उसके बाद से। प्लीज मैं तो बस आपकी प्लीज की मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ओके, मेरी गलती मैडम, मेरी आवाज नहीं आ रही थी चिल्लाने के बावजूद, आप मुझ पे हमारी गलती लगा रहे हैं, वो ओके मैं आरोप नहीं सहूंगी। प्लीज मैं क्लैरिफिकेशन, समय मत जाया कीजिए, इस देश की औरतें पहले ही बहुत साल से झेल रही हैं, अब जो 2-4 घंटे का समय मिला है उसको कम से कम इस तरीके से जाया ना किया जाए। प्लीज समित पात्रा जवाब दीजिए। भाई साहब देखिए, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जो लॉन्च है, ओके प्लीज प्रियंका जी मैं बोल लूं, ओके प्लीज 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 ओके प्लीज संबित पात्रा जवाब दीजिए, बोलिए। देखिए ये बहुत फॉल्टी नोशन है कि अगर पति जेल चला जाएगा तो उस पत्नी का क्या होगा। उससे पहले जब वो धक्के देकर ट्रिपल तलाक कह के, तलाक 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 कह के धक्के देकर उस पत्नी को घर से बाहर फेंक देता था, और आज तक ने कम से कम दसियों ऐसे केस दिखाए हैं कि पत्नी गेट खड़खड़ा रही है और पति के घर से कोई गेट नहीं खोल रहा था, तो क्या ये सस्टेनेंस देता था कोई आके उसको सड़क के ऊपर? ये आप पूछिए जो दो हमारी बहनें बैठी हैं जो उन्होंने पूरा अपना जीवन खपाया है इस विषय को लेकर, क्या घर वाले सस्टेनेंस देते थे? यहां तो मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा, और यहां कांग्रेस की प्रवक्ता पूछ रही है मैजिस्ट्रेट कौन होता है डिसाइड करने वाला कि सस्टेनेंस कैसे दिया जाएगा, तो कौन डिसाइड करेगा? पति क्यों डिसाइड करेगा? पति डिसाइड करेगा कि मैं 2000 रुपए दूंगा, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, तो क्या वो फाइनल हो जाएगा? आप बार बार कह रही है कि सशक्त कानून होना चाहिए, सशक्त कानून होना चाहिए, अरे सशक्त कानून होना चाहिए एक तरफ कहती है, फिर बोलती है जेल मत भेजो बेचारे पति को, बेचारा जेल चला जाएगा तो पत्नी का क्या होगा। एक बात देखिए प्रियंका जी, आप खुद एक महिला है, पढ़ी लिखी और अच्छी प्रवक्ता है, ये महिलाओं को बेचारा करके प्रस्तुत करना बंद कर दीजिए कि वो अबला है, दुर्बला है, निर्बला है, अगर पति जेल चला जाएगा तो वो बेचारी सड़क
पे आ जाएगी, उसका कुछ नहीं हो पाएगा, वो कमा नहीं पाएगी, खा नहीं पाएगी, बेचारी मर जाएगी। ये अबला पति, ये महिला को अबला दुर्बला इस प्रकार से प्रस्तुत मत करिए। पति अगर दुष्कर्म करेगा, खराब काम करेगा तो जेल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड और लोग हैं, उनको ले आए पहले चर्चा में। आफरीन बेगम हमारे साथ हैं, वो कुछ कह लें एक बार, आपकी इजाजत हो तो। लेडीज फर्स्ट। हाँ आफरीन बेगम, बोलिए अपनी बात। आप इस कानून के मसौदे से संतुष्ट हैं? आपको लगता है ये ओके पास हो जाना चाहिए? जी, मैं खुद इंडिया की सेकंड पेटिशनर हूँ। ऑफ कोर्स जो लाइक पहले लगता था कांग्रेस को, और मैं किसी कांग्रेस या बीजेपी के मैं बिल्कुल उसमें पॉलिटिकल में बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे लगता है जो भी फ्रेश बिल जो लाइक जो लाई है सरकार, वो मुझे लगता है ठीक है। लाइक पहले वो नॉन अवेलेबल था, अभी वो पहले अवेलेबल था बट अभी वो नॉन अवेलेबल है, ये चीज मुझे ठीक लगती है। अब कंपाउंडेबल है, मजिस्ट्रेट सॉर्ट आउट कर सकता है इश्यूज जो है हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो मुझे बिल्कुल सही लगता है। और मजिस्ट्रेट को कंपनसेशन पे करना है, वो भी मुझे बिल्कुल बिल्कुल जो अभी जो फ्रेश अमेंडमेंट्स लाई है लाइक जो, वो मुझे बिल्कुल सही लगता है। और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद भी 201 केसेस लाइक गवर्नमेंट ने नोटिस करे हैं मीडिया के थ्रू कि जो ट्रिपल तलाक फ्लिमसी ग्राउंड पे जो हस्बैंड दे रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, और जैसे मुझे मिला कि एक स्पीड पोस्ट के थ्रू, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत ठीक लगता है ये। अभी नॉन अवेलेबल भी है जो बहुत से लोगों ने उठाया कि अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन ठीक है, लेकिन अवेलेबल है तो वाइफ अगर अप्रोच करती है मजिस्ट्रेट को और मजिस्ट्रेट अगर सॉर्ट आउट इश्यूज कर सकते हैं तो इट्स फाइन, मुझे ठीक लगता है, मुझे बहुत ठीक लगा है अभी। ठीक है, ओके, जो मिला ओके। तलाक पीड़ित ये कह रही है, जो याचिका कर रही है वो कह रही है हमें मसौदा ठीक लगता है, राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं हमें मसौदा उचित नहीं लगता। ठीक है, बोल लीजिए जल्दी आफरीन, जल्दी बोल लीजिए छोटा सा। जी, मेरी एक और बात है, मुझे ये लगता है कि अगर कानून नहीं लाया, अगर लॉ नहीं बना, तो ऐसे ही जब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जब ये कुरान में नहीं लिखा है, जब हम कुरान को मानते हैं जो मुस्लिम है मौलाना है, जो हम जैसी महिला है, जो हम मुस्लिम लोग कुरान को मानते हैं, जब कुरान में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, तो क्यों उसके बाद भी जब ये 201 केसेस अगर आए हैं? हो सकता है सबको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है, जब लॉ के डर से वो इंसान ना दे इस तरीके से, जो लाइक इट्स सो क्रूअल। ठीक है, इस तरीके से लाइक फेसबुक के थ्रू तलाक दे दी जाती है, तो एक चीज है कि अच्छा है लॉ बनेगा तो एक वो डर भी रहेगा। आप ये कह रही हैं 201 केस आए हैं, अभी स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री पार्लियामेंट में बोल रही थी, उन्होंने कहा कि 477 केस सामने आए हैं मौलाना साहब, उन्होंने जिक्र कर दिया इस बात का कि साहब ये तो कुरान में नहीं है, और ये बात मैं आपके मुंह से पिछले 3-4 साल से जब से चर्चा हुई है इस पर सुनते आए हूं कि कुरान में नहीं है, फिर भी आप डिफेंड करने बैठते हैं यहां टीवी पर। देखिए मौलाना साहब बोले, प्लीज बोलिए मौलाना साहब। अब इस वक्त हमारे, आपको मौलाना नहीं बोलेंगे, आपको फलाही साहब बोलेंगे। बोले सर, किसी भी नाम से प्लीज बोले। अब इस वक्त हम लोग तलाक के मामले पे कोई बात करें रोहित जी, मुझे लगता है कि अब हम लोगों को बात करना कोई उचित नहीं बनता है, चूंकि मामला संसद में बहस हो रही है, जो भी होना होगा वहां निर्णय हो जाएगा, जो फैसला। सुन लीजिए, देखिए मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ, संबित पात्रा साहब ने बगैर ब्रेक के 2.5-3 मिनट बुलेट ट्रेन चला दी है, एक सवाल का जवाब मैं डॉक्टर साहब से चाहूंगा बहुत अदब के साथ, कि जिस औरत को शौहर ने तलाक 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 तीन तलाक दिया, 100 नंबर पे कॉल किया, उसको थाने ले जाया गया, जेल भेजा, कहाँ भेजा मुझे नहीं पता, लेकिन सिर्फ मैं इतना जानना चाहता हूं कि क्या इस कानून के हिसाब से वो तलाक माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, बस इतना सा सवाल है, वो माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, क्या ला रहे हैं आप उसमें? मैं जवाब देता हूं। बोलिए संबित पात्रा, जवाब दीजिए। देखिए आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि दहेज प्रथा भी नहीं होनी चाहिए, उसके बावजूद भी लोग दहेज प्रथा करते हैं, इसलिए एक डिटरेंट कानून होता है कि जो, और बलात्कार कोई कानूनी तरह से अलाउड नहीं है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बलात्कार नहीं होना चाहिए, हिंदुस्तान की संविधान ने कहा है कि कोई बलात्कार नहीं करेगा क्योंकि ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, फंडामेंटल राइट का हनन होता है, मगर लोग बलात्कार करते हैं तभी तो एक डिटरेंट लॉ खड़ा किया गया है। और मौलाना साहब मैं बोल लूं उसका, मौलाना साहब हाँ मैं जल्दी से कहता हूं, अगर किसी ने 3 बार कह दिया नमक कम होने पे तलाक, वो वैलिड होगा या नहीं होगा?
नहीं नहीं, ट्रिपल तलाक तो नल एंड वॉइड उसी दिन हो गया जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये पारित कर दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नहीं माना जाएगा। मगर उसके बावजूद भी अगर कुछ लोग करते हैं और उसको फॉलो करते हैं तो उसको डिटेंट हो गया, नहीं माना जाएगा, आपने कैश करना पड़ेगा, तभी जाके नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने कह दिया नहीं माना जाएगा, सबने मान लिया। जल्दी मौलाना, अगला सवाल आपका क्या छोटा सा। अब ये बताइए कि जब वो बगैर अगर जमानत नहीं होती है, 3 साल की सजा सुनाता है कोर्ट, 2 साल की सुनाता है, 1 साल की सुनाता है, तो क्या वो शौहर जो जेल काट करके आया है वो उसी बीवी के पास रहेगा या कहीं दूसरी जगह जाएगा? ये शौहर अगर वो रहेगा सरकार, मैं सर एक से ये शौहर डिसाइड करता है कि सरकार, यही तो मैं सरकार तय कर रही है। जब सरकार जब सरकार को दुख हो रहा है कि हमें अबला नारी बैठी हुई है, तो इसका जवाब दे कि अगर वो शौहर वापस उसी घर में आता है तो क्या वो मियां बीबी की तरह उसी तरीके से खुश रहेंगे? ठीक, इसकी जिम्मेदारी क्या मोदी जी लेंगे, क्या संबित पात्रा साहब लेंगे, योगी जी लेंगे, कौन लेगा? संबित पात्रा जवाब दे दीजिए जल्दी, उसके बाद में आपके पास आ। हां हां, करिएगा इंटरव्यू संबित पात्रा से, सवाल उनका डायरेक्ट है, जवाब दे फिर आप कर ले। बोलिए समय जल्दी से। देखिए इन्होंने जल्दी थोड़ा सबक दीजिए, बहुत सारे पॉइंटेड सवाल है रोहित भाई, आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं तमाम एफिडेविट के साथ बैठा हुआ हूं। देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसका कि बहुत लोग यहां समर्थन भी करते हैं, जब उन्होंने एफिडेविट सबमिट किया है 7th रेस्पोंडेंट, आप जानते हैं 3 कारण उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि देखिए तलाक तो होना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है आपने कारण, आप तो ये बोल कारण बना करके आप लोगों ने 200 औरतें बहका ली, आप कारण मत बताइए, आप तो ये बताइए वो बीवी उस शौहर के साथ रहेगी, रोहित भाई ये बताइए, अगर नहीं रहेगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, रोहित भाई, और रहेगी रोहित भाई, रोहित भाई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? पसरल्ला बोर्ड ने क्या लिखा संबित पात्रा साहब, 6.5 लाख मुझे प्लीज बोलने का मौका दीजिए, 1 सेकंड 1 सेकंड बहकाया लोगों को।